In the given circuit diagram shown here, what should be the value of R so that there is no current in branch containing 6 volt? इसमें कोई वर्ड करंट नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट. आप पहले किरचॉफ लगा लीजिए, फिर नाम लिख लो ए बी सी डी ई और एफ. नाउ लेट्स अप्लाई इन दिस सर्किट. पहले करंट निकाल लो, ये आई वन, ये आई टू, और यहाँ पे आई वन प्लस आई टू. सो हम लोग ले रहे हैं पहले डी ई, ये वाला डी ई एफ सी डी, एफ सी डी लिखो. 12 इक्वल्स टू, ये 12 ओम है, 12 आई वन प्लस आई वन प्लस आई टू इंटू आर. ये हमारा पहला एक्सप्रेशन हो गया. चाहो तो आई वन को एक साथ लिख लो और इट विल बी 12 प्लस आर प्लस आई टू आर. ये फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं. लूप आएगा ए डी सी बी ए. इसमें छः, इसमें भी चलो ऐसे 6 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 6 आई टू माइनस 12 आई वन. सबको पता लग गया होगा ये करंट उल्टा जा रहा है. 12 आई वन लिख लिया, सो इट इज माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 6 आई टू माइनस 12 आई वन. आप कैंसिल कर दीजिए, माइनस 1 इज इक्वल्स टू, या 1 से काट दो, 12 2 आई वन माइनस आई टू. ये आपकी आ गई दूसरी इक्वेशन, दैट इज द सेकंड वन. नाउ यू कैन सी हैव टू इक्वेशंस, 12 इक्वल्स टू आई वन, 12 प्लस आर प्लस आई टू आर, एंड द सेकंड इक्वेशन 1 इक्वल्स टू आई वन माइनस आई टू. अब इसमें वो कंडीशन लगाओ कि आप चाहते हो करंट नहीं होना चाहिए 6 वोल्ट की बैटरी में, और कितना करंट था वो आई टू. तो दोनों इक्वेशन में ना आई टू में जीरो पुट कर दो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ठीक है, आई देखते हैं इस वाली में. इन फर्स्ट पुटिंग आई टू इक्वल टू जीरो, तो क्या मिला हमें, 12 प्लस आर इंटू आई वन इक्वल टू 12. ये हो गई थर्ड इक्वेशन. और इन सेकेंड पुटिंग आई टू इक्वल टू जीरो इसमें, तो यहाँ पुट करेंगे 2i1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा. 2i1 माइनस i2 इक्वल्स टू 1 था, इसे 0 पुट करा तो i1 आ जाएगा 1 बाई टू या 0.5 एम्पियर. ये फोर्थ इक्वेशन इनफैक्ट आंसर भी आ जाता है. तो हमें तो खैर r फाइंड करना, तो यहाँ पुट कर दीजिए यहाँ पे 12 प्लस r इंटू 0.5 इज 12, या 12 प्लस r इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 0.5 विच इज 24. So R will be 20, 12 ohms. So that is the right answer. So that is the answer to the question.